हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इनफाइनाइट विद्या यूट्यूब चैनल। आज हमारे इंटीग्रल कैलकुलस का 6th पार्ट है। अगर आपने पीछे के लेक्चर मिस किए हैं तो आप आई बटन को क्लिक करके पीछे के लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इसके अंदर आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। ये जो सारे फॉर्मूले हैं मैंने पीछे के जो लेक्चर है उसमें सब कुछ समझा दिया है। आप एक बार पीछे के लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको आज का टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स होता है, कॉस का साइन एक्स होता है। इंटीग्रेशन वन का मतलब कांस्टेंट का एक्स होता है, क्योंकि हम डी एक्स लिख रहे हैं, साथ में एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स होता है। और एक साथ में फिफ्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स का ई की पावर एक्स प्लस में सी सम कॉन्स्टेंट होता है। ये आपको सारे फॉर्मूला पीछे के लेक्चर में मिल जाएंगे, पीछे के पार्ट्स में। उसके बाद आज हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि दो फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई के अंदर दिए हुए हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप आईलेट ILATE इन इस वर्ड को समझे, इस वर्ड का क्या मतलब है। इस वर्ड के अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मूला को, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब है अल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम साइन कॉस टेंजेंट ये सारे फंक्शन आते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब कि ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल हो गया। अल्जेब्रिक का मतलब है एक्स के सारे फंक्शन। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, एक्स आई का मतलब है इनवर्स, इनवर्स के अंदर फंक्शन दिया होगा। लॉग मतलब लॉगरिथमिक, लॉग के अंदर फंक्शन होगा। उसके बाद है ए मतलब अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक मतलब एक्स के अंदर फंक्शन दिया होगा। टी मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये सब फंक्शन होंगे। ई मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन हमने करना कैसे है, अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर है, मतलब कि जैसे मान लो यू और वी दो फंक्शन है, इनका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन यानी कि यू एज इट इज इंटीग्रेशन हम करेंगे सेकंड फंक्शन का, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। उसके बाद माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है आपने। उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट वाले का, डी बाई डी एक्स फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। और उसके बाद इंटीग्रेशन हम करेंगे सेकंड वाले का, उसके बाद हम साथ में डीएक्स लगाएंगे। ये हमारा बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला है। आप देखो कि हमने कैसे यूज करना है इसको। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर इंटीग्रेशन हम करेंगे एक्स साइन ऑफ एक्स डीएक्स का। इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि एक्स एज इट इज फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखो, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉस होता है। उसके बाद माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है सिर्फ। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ऊपर जो पावर है उस पावर को आगे लेके आते हैं और उस पावर में से वन माइनस कर देते हैं, यानी कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ एक्स की पावर वन है, वन को आगे लेके आई तो 1 x की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 के इक्वल। तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। डॉट x, अब हमने क्या करना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में cos ऑफ x और साथ में dx। अभी हमने इंटीग्रेशन दोबारा करना है पीछे वाले स्टेटमेंट का। यहाँ से क्या आ गया, माइनस x cos ऑफ x, ये वाला माइनस मैं बाहर लेके जाती हूँ, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन हम करेंगे cos ऑफ x का। आप देखो माइनस में x cos ऑफ x प्लस में, इंटीग्रेशन cos का क्या होता है, साइन होता है, साइन x प्लस में सम कांस्टेंट c। ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म हो गया। हमने इसको बाय पार्ट सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इकट्ठा हो गया, पर अब थोड़ा ध्यान से देखना आपको समझ में आएगा। फर्स्ट वाला एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकंड वाले का हमने फिर से इंटीग्रेशन कर दिया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसे करना है आपने। उसके लिए आप सबसे पहले ये जो है आईलेट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है,
इसको ध्यान से समझे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे करना है हमने क्वेश्चन। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन हमने करना है लॉग ऑफ एक्स का और डीएक्स। अकेले लॉग ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, हमारे पास कम से कम दो फंक्शन होने चाहिए ताकि हम क्या करें उसका इंटीग्रेशन कर सके। तो आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। आप देखो इनवर्स का फंक्शन इसमें है ही नहीं, उसके बाद लॉग, लॉगरिथमिक सेकंड फंक्शन आ रहा है, तो हमने क्या करना है लॉग के साथ लॉग एक्स। मैंने बताया कि अलजेब्रिक का मतलब होता है एक्स की पावर लेना, मतलब एक्स लेना या वन, आप एक्स की पावर भी ले सकते हो या फिर कोई कॉन्स्टेंट ले लो जैसे कि वन ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया एक्स की पावर जीरो में लेट कर रही हूँ इसके अंदर, मतलब साथ में लेके चल रही हूँ। अलजेब्रिक जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो एल जो है पहले आ रहा है, इसलिए मैंने लॉग वाले फंक्शन को पहले रखा है, उसके बाद अलजेब्रिक जो है बाद में है, इसीलिए एक्स की पावर जीरो का मतलब होता है किसी की पावर जीरो यानी कि वन हो गया। तो हम इसको वन भी लिख सकते हैं, आप वन लिख लो। अब हमारे लिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये वाला सेकेंड फंक्शन हो गया। क्लियर? आप देखो इंटीग्रेशन हम करेंगे इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता है, ये मैंने पीछे के लेक्चर में आपको बताया था। एक्स माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। अब फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में एक दूसरे के इनवर्स है। अगर वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स होता है, तो लग एक्स का लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन बाय एक्स। अब वन का हमने क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो वन का क्या होता है एक्स होता है, ठीक है, वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स हो गया, तो एक्स से एक्स कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई में ही चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बचा लॉग ऑफ एक्स इंटू में एक्स, माइनस में इंटीग्रेशन करेंगे वन ऑफ डी एक्स का, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, ये पीछे के लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया। लॉग ऑफ एक्स ऑफ एक्स माइनस में वन का हो गया इंटीग्रेशन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, यहाँ का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है।